ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। और ये जो कागजी शेर थे अब ये असल पिंजरे में आए हैं। बबर शेर आएगा ना खा के हर सियासत छेड़ दी। अब वो इनके पेटों से चाक करके इमरान खान निकालेगा तो मुल्क टूटा हुआ है। टैक्स लगा लगा के इन्हें अवाम का कचूंबर काट छड़े है। तेल 120 रुपए लीटर है। जो महंगाई है इतनी गरीब आदमी यानी के बिल उतार नहीं सकता। लोड शेडिंग इतने बिल आ रहे हैं। अवाम ने इतने महंगाई का सैलाब आ चुका है। पूरा मुल्क टूटा हुआ है। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। कारोबार बंद हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मरियम नवाज कह रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले 4 से 5 महीनों में ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। अलमे बगावत जो है वो बुलंद कर दिया उन्होंने पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज़ की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो किसी भी किस्म की लीडर नहीं है। और ये जो कागजी शेर थे अब ये असल पिंजरे में आए हैं। और अब इनकी चीखें निकल रही हैं क्योंकि जो इन्होंने कौम का पैसा लूटा हुआ था अब वो इनके पेटों से चाक करके इमरान खान निकालेगा। सो महंगाई का कुछ थोड़ा बहुत इशू है लेकिन वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा और ये मुल्क एक इंशाल्लाह अजीम कौम के तौर पर उभरेगी। सर जी मैं तो कहूँगा कि जरा 4-5 महीने तो बहुत ज़्यादा ने। मैं कहना कि कल ही जनाबे वाला जान छड़े साढ़े जरा ऐसा बंदा मसलत हो गया है ना साढ़े ते कि मैं ना अगर रातों दिन ये तो सिर्फ ना सर जी एक ही दौरा जरा ना इस बंद का जरा ना साढ़े वास्ते फायदेमंद हो सकता वो इनू दिल का दौरा पाई जाए तो ठीक है। इनू दिल का दौरा पेगा तो इन्हें पाकिस्तान की जान छड़नी है। होर ऐसा कोई मेरे में सुनने लगा हूँ असं वो जबान नहीं यूज़ कर सकते लेकिन कहना कोई गंदी नसल का बंदा कोई तो ये बेहतर है। तुसी कहिंदे जी सपोर्ट सपोर्ट मैं कहना पीटीआई नूं नहीं हो सकती। उस तो अलावा कोई कुत्ता भी आ जाएगा ना उन्होंने असं सपोर्ट करांगे लेकिन इस बंदे नूं सपोर्ट नहीं जिहड़ा ने तुहानूं पता है इन्हें जीन ते मरण ते हर लिहाज नाल कह रहा जी आ भी टैक्स लग गए ने तुहाडे ते आ भी टैक्स लग गए ने यही कि एक रुपया भी डालर जिहड़ा जदों महंगा हुंदा है ना तो आवाम जिहड़ी गरीब है गरीब तो गरीब तर हो ही जाती है ठीक है। और तुहाडा जिहड़ा हुकमरान ने वो चोर हुंदे ने। हुण कि जमाना जनाब वाला पहले जदों इह हुकूमत सी उदों इह कहिंदा है जी जड़े ने अपना हुकमरान जो ये अपोजिशन के उदों कहता ही ताकि जी हुकूमत है ये चोर है। हूँ जो ये हुकूमत च गया हूँ जाकर कहता जी आवाम चोर है। जो बीबेगा यदा पहली यही बकवास होएगी नून लीग तो स्टार्ट करेगा कि नून लीग ने ये किया नून लीग ने वो किया और नाल ही दूसरी चीज़ है कहेगा जी कि ना आवाम चोर है आवाम टैक्स नहीं दे रही ठीक। वो यार तू जो अपोजिशन चाह उदो हुकूमत चोर से जो तू हुकूमत आया आवाम चोर है। ये तो साढ़े लोग बेवकूफ़ ने जो पिछे चलते हैं पे नहीं जो है बिल्कुल ये झूठ है ठीक है। इस तरह की कोई बात नहीं है ये सरासर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं ठीक है। ये समझते हैं कि हम हुकूमत को इस तरह के बयान दे के कंट्रोल में कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं है। ये गल है कि आवाम सारी परेशान है ठीक है। इन्नी को परेशान आवाम के हाथ हो गई एक दूजे नंबर से गल है महंगाई का इन्हें तूफान लैनता है माड़ा बंदा ज माड़े बंद के मुँह ने लुकमा खिंच लिया ठीक है। चलो मियाँ साहब जिंजते भी हैं चंगे हैं मंदे हैं जो भी है बाकी उन्होंने अपनी आवाम को बड़ा खुशहाल रखिया अपनी आवाम को खुश रखिया ठीक है। उन्होंने जिन्ना 5 साल उन्हें उन्ना पैसा नहीं लिया मियाँ साहब ने जिन्ना इन्हें 11 महीने च लिया ठीक है। किहड़े मुल्क को इन्हें कर्जा नहीं लिया किहड़े मुल्क के जा गया कुत्ता बन गया नहीं मिमनी बनया ठीक है। किस बंदे नूं नहीं पता असीं हर कुछ सब कुछ विन्ने आपे सुनने भी आपे ठीक है। और अपनी जी ये हकीकत वो छुपाने वास्ते लोगों अगे बैठा है कि फलाने बंदे आ कुछ किया फलाने बंदे आ कुछ किया ठीक है। मैं ना कि जिन्ना इन्ना इन्नी महंगाई जी है ना इन्ना कर्जा मियाँ साहब ने 5 साल नहीं लिया जिन्ना इन्हें 10-11 महीने ला के मुल्क में बर्बाद कर करा छड़िया ठीक है। असी सिर्फ आवाम जी फौज की इज्जत करती है भाई फौज का एहतराम करती है भाई कोई बंदा इज्जत नहीं करता ठीक है ना इनू कुछ असी समझने ठीक है। लिहाजा है कि अभी तो दुआ करने कि जेड़ा कल छुटकारा होना अच्छ हो सी गल जी कि रा देने तो सारा अपना जो निज़ाम सही हो जाएगा जो टैक्स टूक्स इन्हें लाए ने वहाँ अपना कारोबार तो परेशान है कि करिए उतो ईद आ रही है फैक्ट्रियाँ सारिया बंद ने वाम की करे बेचारी उतो चीज़ा ने इन महंगी कर छड़िया ने चोर के बच्चे ने वाम होर की करे वाम की करे सानू भी दसो ना तो अपोजिशन गिराएगी तो सू वाम जरा ना ठीक होएगी ना टैक्स टूक्स मुक जान खत्म हो जाएंगे फैक्ट्रियाँ खुलन गियाँ कारोबार खुल जाएगा। अभी आप ही जरील हूँ पे ना साढ़े को कारोबार है फैक्ट्रियाँ बंद हो गई फैक्ट्रियाँ खुलन हाँ लेबर भी खुशहाल लेबर भी खुशहाल गवर्नमेंट आप भी खुशहाल इन्हें टैक्स लाया वो बंदा खुश ही नहीं जलील होर होवे इंशाल्लाह ही जलील होएगा ना।
ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਆਪੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਪੋਡਰ ਗਈ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪੁੱਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੋ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੋ ਟੈਕਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਟੈਕਸ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੁੱਤ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਿਰਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਟ ਛੱਡਣੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੂਸਤ ਖੇਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੱਤੀਆ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੇਕ ਦਾ ਵੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 240 ਉਹ 300 ਦੀ 350 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਤੂੰ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾ ਦੇਣ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਟੈਕਸ ਬਿਸਕੁਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅੰਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਛੜੇ ਆ ਤੇਲ 120 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ 67 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੂਨ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਸਾਥ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਥ ਦੇਂਗੇ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ ਜਾਏ